हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप देख रहे हैं, लखनऊ की रत्ना में स्वागत है। तो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो गाइस, आज है दिन सोमवार, आज है दिन सोमवार और बच्चे सब स्कूल जा चुके हैं। और गाइस, आज है नागपंचमी। नागपंचमी की आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। तो चलिए गाइस, ब्लॉग में बने रहिए और इन्जॉय करते रहिए। कुकर में मैं आ रही हूँ सीटी, मैंने चढ़ा रखे छोले, इधर चढ़े हैं चावल। और गाइस, सुबह बच्चों को मॉर्निंग में घुइया की सब्जी और पूड़ी बना के दे दी थी, वो लोग टिफिन में ले गए थे। उसके बाद फिर मैंने वो घुघरी बनाई जो हम लोगों के यहाँ गेहूँ और चावल की बनती, मैंने आपको कल वाले ब्लॉग में से दिखाया था। तो फिर वो बना करके पूजा पाठ में हो गया गाइस। और गाइस, आज है सोमवार का व्रत। तो अब समझ में नहीं आ रहा व्रत रहें कि खाएँगे। फिलहाल अभी तो गाइस व्रत है मेरा, फिर बाद में देखा जाएगा। और ये देखिए, ये रखी मेरी चाय और मैं अभी चाय पीने जा रही हूँ। और चलिए, छोले वोले पक जाते हैं तो फटाफट छोले बना लेंगे। वैसे गाइस, आज सारा पूरा पक्का खाना बनता है। और आज सुबह से मैंने घुइया की सब्जी और पूड़ी बना ली थी, अब मैं छोले चावल खीर अभी बनाऊंगी, क्योंकि खीर का ही भोग लगता है भगवान को। तो गाइस, आज ये नागपंचमी के त्यौहार की आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएँ। ईश्वर आपके जीवन में खूब तरक्की लेके आवे और आप लोग सदैव इसी तरह नागपंचमी मनाते रहें। तो चलिए गाइस, ब्लॉग में बने रहिए और एंजॉय करते रहिए। अभी देखिए मेरा घर कैसे फैला हुआ है, देखिए अभी पूरा घर ऐसे ही फैला हुआ है। अभी चाय वाय पीऊँगी, फिर उसके बाद में जब थोड़ी एनर्जी आ जाएगी फिर गाइस अपना कमरा वमरा ठीक करेंगे। चलिए गाइस, ब्लॉग में बने रहिए और एंजॉय करते रहिए। ये देखिए गाइस, मैंने बनाया छोला पूड़ी खीर पुलाव और घुइया की सब्जी। तो गाइस, आज है नागपंचमी का त्यौहार, इसलिए नागपंचमी में ये सब बनता है गाइस। तो चलिए गाइस, आइए आप लोग भी खा लीजिए। तो गाइस, सभी लोगों को नागपंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और फिर वही रोज का रूटीन, हम लोग बैठे हुए हैं सड़क किनारे और बहुत ही अच्छी अच्छी हवा चल रही है। सभी लोगों को नागपंचमी की बहुत बहुत संगीता दी बोल रही, सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और गाइस, जो लोग यूपी से हैं वो तो जानते हैं नागपंचमी क्या होता है, लेकिन जो लोग अदर स्टेट्स हैं वो लोग नहीं जानते होंगे। लेकिन गाइस, ये जो त्यौहार है ये रक्षाबंधन से पहले पड़ता है, रक्षाबंधन के 10 दिन पहले। जैसे आज 21 को वो है नागपंचमी, तो 31 को रक्षाबंधन होगा। तो वही गाइस, हम लोगों का खाना पीना सब हो गया था। आज हम लोगों के यहाँ 56 भोग बनते हैं, आप व्लॉग में देखेंगी क्या क्या बना था। वही गाइस, अभी हम लोग आए हैं देखिए टहलने, और मौसम बहुत ही अच्छा है, सुहावना है। अभी बैठे हैं हम लोग सड़क के किनारे और चल रही हैं गपशप। तो चलिए गाइस, ब्लॉग में बने रहिए और एंजॉय करते रहिए। तो यहाँ गाइस, मैं बना रही हूँ हलवा, आप लोग देख सकते हैं। और बच्चों का टाइम हो रहा है ट्यूशन का, तो वही बच्चों के लिए बन रहा है हलवा। हलवा बनाने में गाइस, सबसे ज़्यादा हलवे को एक तो उसको कलहाड़ने में बड़ा टाइम लगता है, 10 घंटे, जब तक ये लाल ना हो जाए। बस हलवा बनाने में इसीलिए गुस्सा आती है गाइस कि इसको 10 घंटे फ्राई करो, अब तक ये लाल ना हो, तब तक खड़े रहो, तब तक खुद के भी पैर वो हो जाएं। गाइस, हमारा उबलना शुरू हो गया है हलवा। चलिए बन जाते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ गाइस, हलवा हमारा बनके तैयार हो गया है। तो गाइस, मैं आ गई हूँ टहल के और देखते हैं किचन में कुछ हो रहा है, दिखा दूं। तो गाइस, यहाँ पे बिट्टू दीदी हमारी कुछ बना रही हैं। क्या बना रही हो? मैगी। तो गाइस, आज हमारे यहाँ शेफ वर्तिका त्रिपाठी आई हैं। ये देखिए हमारी मैगी उबल रखी है और बन रही है मैगी। अब प्याज काटने में तो वो तो लगता ही है, कोई बात नहीं काट लो। कब सीखोगी बिटिया रानी? हमको आता नहीं है प्याज काटना। नहीं आता है? अक्षय यहाँ आओ। सब्जी धनिया पत्ता खाली प्याज इसके साथ अच्छी नहीं बनती। मक्खन का रखा? मक्खन न डालो यार। तो हमको बस दे दो, हम बना लेंगे। ले आज निर्मला भी नहीं आई, अभी मुझे 2-4 बर्तन धोने पड़ेंगे। मुझे मक्खन निकाल के दो। देखो बर्तन इतने सारे पड़े हुए हैं, हम निर्मला आंटी आई नहीं। अब टिफिन टिफिन दो। मक्खन डाल के बेटा मैगी थोड़ी बनती है? बनती है। तो गाइस, मैगी मक्खन डाल के बनती है?
लगती है। व्लॉग क्यों बनाने लगती है, तुम उधर जाओ मैं बना लूंगी। तो गाइस ये कह रही मेरा व्लॉग मत बनाओ, एलर्जी है। जरा सा सरसों का तेल डाल के बनाओ। पहले टी शर्ट उतार दो, अगर इसमें दाग लग जाएंगे। नहीं लगेंगे यार। तो ये वाले कपड़े उतार दो ना। अच्छा जाओ, मैं जो बना दूं ये खा लेना, ना पसंद है मत खाना। पहले कपड़े उतार दो। कपड़े पड़े अभी नहीं उतरेंगे। और मक्खन, वो सोया सॉस रखा, वो देखो वो रखा। मम्मा इसमें प्याज छोंक दूं ना? हाँ ठीक है छोंक दो। तुम तो आज ही मक्खन वाली मैगी बना रही हो। बिट्टू दीदी हमारी बना लाई है मैगी, तो चलिए टेस्ट करते हैं फिर आपको बताते हैं कैसी बनी है। गाइस हमारे लखनऊ में हो रही है बारिश, ये देखिए इतनी ज्यादा बारिश हो रही है, बाप रे। ये देखिए अच्छर लगा के छाता खड़े हैं, लग ना जाए कहीं। देखो दिखा दे इधर कितनी ज्यादा बारिश हो रही है। ये देखिए गाइस मैं आपको दिखाऊं, हमारे यहाँ की गलियां भर गई। ये देखिए कितनी ज्यादा बारिश हो रही है, बहुत। ए पागल, अच्छा पानी आ रहा है, देखो शैतानी ना करो, पानी आ रहा है। तो गाइस इतनी ज्यादा लखनऊ में बारिश हो रही है कि आज हमारा टहलना भी नहीं हो पाएगा, सब काम बंद, ना बच्चों का ट्यूशन ना कुछ। देखिए गाइस कितना ज्यादा पानी गिर रहा है, बाप रे। देखिए हमारी तो पूरी गली भरी जा रही है एकदम, इतना ज्यादा पानी है, ओफो बहुत बुरा हाल है। चलो प्लांट्स को पानी मिल गया ना, वाह कितने अच्छे लग रहे हैं। तो गाइस मैं बज रहा है शाम का 7 और गाइस आज मैं टहलने नहीं जा पाई, इतनी ज्यादा बारिश हो रही थी, कुछ कहने को नहीं। और भाई अभी तो कपड़े पे देखिए गाइस फैले हुए हैं पूरे घर में, जो धोए थे डाले थे, बारिश ही शुरू हो गई आज, समझ लिए 2 बजे से हमारा यही हाल है। तो गाइस अभी बिट्टू हैं किचन में और वो बना रही है सैंडविच, चलिए सैंडविच बन जाए तो फिर खा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं बिट्टू दीदी हमारी कुछ कर रही हैं। 7:30 बज रहा है अभी, गाइस बनाएंगे खाना, लेकिन उससे पहले बिट्टू दीदी का बन रहा है सैंडविच, ये देखिए। तो देखिए गाइस यहाँ बिट्टू दीदी बना रही है सैंडविच, उससे करछुल से सेको दाब दाब के। पहले सैंडविच सैंडविच खा लेंगे, उसके बाद में ही फिर बैठ के सारे बर्तन धोऊंगी। गाइस जब बारिश होती है तो काम वाली बेचारी आ नहीं पाती हैं, इतना ज़्यादा पानी गिर जाता है, गलियों में पानी भर जाता है, बड़ी दिक्कत हो जाती है। गाइस यहाँ बिट्टू दीदी हमारी बना लाई है सैंडविच, चलिए खा के देखते कैसा बना। तो यहाँ गाइस मैं अच्छत को पढ़ा रही हूँ, क्योंकि आज ट्यूशन भी ये नहीं जा पाया, और गाइस ये ऐसे पढ़ता नहीं, जब तक मैं इसको लेके बैठती नहीं हूँ तब तक ये पढ़ता नहीं है बिल्कुल भी। तो भाई इसको डांट के मुझे पढ़ाना पड़ता है, नहीं क्या करे, नहीं पूरे दिन फोन चला हुआ है। अभी देखिए मैं बार बार इससे कह रही हूँ, कहीं कुछ करता है कहीं कुछ करता है, वही ज़बरदस्ती गाइस लेके बैठो। सब बच्चे गाइस ऐसे ही करते हैं, पढ़ेंगे नहीं, ज़बरदस्ती लेके बैठना पड़ता है। तो गाइस समय बज रहा है घड़ी में 9 और ये देखिए मैं बैठी हुई है बिट्टू, और अभी मैं अक्षत को पढ़ा रही थी। और फिलहाल अभी गाइस हम लोगों ने सैंडविच खाया है, अब सोच रहे खाना बनाने के लिए क्या बनाएं। और इधर बैठे ये देखिए अक्षत, इनकी पढ़ाई वढ़ाई हो गई है, अब ये चला रहे हैं फोन। और गाइस क्या आपको मेरा व्लॉग देखने है? तो गाइस यहाँ पे हमारी बिट्टू आपसे कुछ कहना चाहती है, आप सुन लीजिए। तो गाइस क्या आप चाहते हैं कि मैं घर में व्लॉग बनाऊँ अपना डेली रूटीन का? अगर चाहते हैं तो बताइए, क्योंकि मैं रोज़ रोज़ तो बाहर जा नहीं पाती हूँ, फिर आप लोग कहते हैं कि तुम व्लॉग नहीं डालती हो, तो मैं रोज़ कहाँ बाहर जाऊँ कहाँ व्लॉग बनाऊँ, तो क्या आपको मेरे घर के व्लॉग्स देखने हैं? तो गाइस हमारी बिट्टू चाहती हैं कि आप उसके डेली चाहे शॉर्ट्स वीडियो डालें, चाहे जिस तरह की वीडियो डालें। और बहुत से लोग हैं जैसे मैं वीडियो
डालती हूँ तो मैं उनके हर वीडियो पर कमेंट करती हूँ, लाइक करती हूँ, लेकिन मैंने नोटिस किया, लेकिन सबको नहीं कह रही हूँ, कुछ हैं जो मेरे कुछ वीडियो पर बिल्कुल कमेंट नहीं करते ना कोई लाइक करते, बस देख लेते हैं बस छोड़ देते हैं, लेकिन मैंने देखा है उन्हें, मैंने उनको देखा है, सबको नहीं कह रही हूँ, आप प्लीज़ अपने ऊपर मत लीजिएगा, लेकिन कुछ हैं जो खाली देख लेते ना कमेंट करते हैं ना लाइक करते, तो गाइस कमेंट लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता ना, मैं एक लाइक से बहुत अमीर हो जाऊंगी अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो, ऐसा गाइस बिल्कुल नहीं है, तो आप लोग एक लाइक तो ज़रूरी क्या करिए, कमेंट नहीं भी कर सकते तो एटलीस्ट एक लाइक तो क्या करिए, जिसमें कि हमें पता चले कि हमारे कैसे वीडियो बने, हमें रिस्पॉन्स मिले, लेकिन लोग सोचते हैं कि हम लाइक कर देंगे अभी ये बन जाएंगी पूरी अंबानी वायरल हो जाएंगी, मीटअप वीटअप हो जाएगा, तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है, बस आप एक लाइक कर दो, धीरे धीरे ही सब कुछ होता है, एक ही बार में नहीं हो जाता कि आपके एक लाइक से मैं करोड़ों कमा लूँगी, तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है, अभी हम लोग सिंपल ही हैं, सिंपल यूट्यूबर हैं, आप लोगों को दिखाना चाहते हैं और आप लोगों का रिस्पॉन्स चाहते हैं। तो गाइस अभी वर्तिका ने जो बात कही और मुझे लगता है कि आपको प्लीज़ इस बात पे ध्यान देना चाहिए, और गाइस जैसे ये कोई वीडियोस डालती है तो प्लीज़ आप लोग एक लाइक तो कर ही सकते हैं, कमेंट तो आप कर ही सकते हैं, तो गाइस बस यही आप लोगों से एक होप होती है कि आप लोग प्लीज़ एक लाइक का बटन तो दबा ही सकते हैं, कमेंट कर ही सकते हैं, तो गाइस अभी हम लोग इतने बड़े यूट्यूबर्स तो हैं नहीं कि हम लोगों ने ब्लॉग डाला और तुरंत ही उस पर इतनी व्यूज़ आने लगे हज़ारों में, तो ऐसा तो है ना, अभी तो हम लोग बहुत मतलब यूट्यूबर क्या मतलब एक नाम खाली एक आगे लग गया कि यूट्यूबर, तो गाइज ऐसा कुछ है नहीं, तो चलिए गाइज हम सभी लोग आप लोगों से प्लीज़ यही उम्मीद रखते हैं कि प्लीज़ आप लाइक करा करिए और कमेंट करा करिए, तो गाइज आइए आप लोग भी आलू के पराठे खाइए, मैं बना रही हूँ आलू के पराठे, और तो चलिए गाइज हम अपना डिनर कर लेते हैं, आलू के पराठे और चाय, जब आप प्लेट में लगा लीजिएगा तब दिखाइएगा, ऐसे गाइस को सपना नहीं आ रहा है कि आप आलू पराठे बना रही हैं। अच्छा ठीक है, तुम छोले से खाओगी? ठीक है गाइस हम लोगों का खाना पीना हो गया, इसमें बज रहा है घड़ी में 10:30 और हम लोग सब सोने जा रहे हैं, क्योंकि बिट्टू का मॉर्निंग में स्कूल है, अक्षत का नहीं है, क्योंकि अक्षत का जो वैन वाला है उसके आई फ्लू हो गया है तो वो आएगा नहीं, तो अक्षत कल नहीं जाएंगे, बिट्टू जाएंगी केवल, तो चलिए गाइस खाना वाना हो गया अब हम लोग सो जाते हैं, अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, मिलते हैं गाइस आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ओके बाय, लव्स यू लॉट, और प्लीज़ अपना प्यार सपोर्ट जरूर देते रहिएगा।